40 तक आते आते बहुत सारे लोग अपने फेस की स्किन पे कुछ चेंजेस नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स बनना, स्किन लूज होना स्टार्ट होना, स्किन थोड़ी सैगी दिखना, स्किन का बाउंसीनेस कम हो जाना। अगर 40 तक आपने अच्छा स्किन केयर नहीं किया है तो सन डैमेज के कारण मेलाज़मा और पिगमेंटेशन भी स्किन पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 40s में आप स्किन केयर कैसे करें, 40s में स्किन में आखिर क्यों ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि स्किन एजेड और मैच्योर दिखने लगती है, आप क्या DIY मास्क घर पे यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट मिले, आप आपके डाइट में क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हो जो एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको दे, और क्या क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो ना ही आपको एंटी एजिंग बेनिफिट देगा बट इट कैन रिवर्स द साइंस ऑफ एजिंग। सो इफ यू वॉन्ट टू लुक यंगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो अब बात करते हैं 40s में आपके स्किन साइंस एजिंग साइंस विजिबल क्यों हो जाती है। कोलेजन और इलास्टिन हमारे स्किन में नेचुरली प्रेजेंट रहता है जो स्किन को यंगर यूथफुल लुक देने के लिए काम आता है। जब हम बच्चे होते हैं तो कोलेजन और इलास्टिन की मात्रा स्किन में बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण स्किन हमेशा बाउंसी दिखती है, स्किन बहुत सॉफ्ट और सपल दिखती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे कोलेजन और इलास्टिन ये दोनों ही डिप्लेट होने लगते हैं, इनका प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। स्पेशली जब हम 40s को हिट करते हैं उसके बाद इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और इसके कारण स्किन की बाउंसीनेस कम होने लगती है, स्किन पे एजिंग साइंस दिखने लगती है, स्किन लूज पड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्किन की फर्मनेस कम होने लगती है। इसके अलावा लेट 40s की जो एज होती है वो फीमेल्स में पेरीमेनोपॉजल एज होती है। पेरीमेनोपॉजल एज में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन कम होने लगता है। जब एस्ट्रोजन कम होने लगता है तो उसके कारण स्किन की ड्राइनेस बढ़ने लगती है। जब स्किन की ड्राइनेस बढ़ने लगती है तो ड्राई स्किन इज मोर प्रोन फॉर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। इसके अलावा अगर आपने सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है तो सन डैमेज के कारण भी एजिंग साइंस आपके स्किन पे जल्दी नज़र आने लगेंगे। ग्रेविटी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेविटी की वजह से नोज नीचे झुकना स्टार्ट हो जाता है, जॉवेल्स बनना चालू हो जाता है, आपकी जॉ लाइन का जो शेप होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ फैट पैड लॉस होना, बोन रिजॉर्प्शन होना, ये चीज़ें भी मायने रखती है। इन सब के कारण 40s में आते आते आपके स्किन पे एजिंग साइंस दिखने लगते हैं। स्किन केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लेंजिंग। जनरली 40s तक आते आते बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली से ड्राई में टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपको जो फेस वॉश 40s तक सूट हो रहा था तो ज़रूरी नहीं कि ये सेम चीज़ें अब आपको सूट हो। सो यू हैव टू चेंज योर क्लेंजर्स अकॉर्डिंगली। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई की तरफ जा रही है तो आपको ग्लिसरीन बेस्ड, क्रीम बेस्ड या हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग टाइम में 1% ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो जो स्किन को एक्सफोलिएशन करने में भी हेल्प करता है। आफ्टर क्लेंजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज सीरम एप्लीकेशन। अब तक अगर आपने कोई सीरम आपकी स्किन पे नहीं लगाया है देन दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट यूजिंग सम गुड एंटी एजिंग सीरम्स। एंटी एजिंग सीरम्स की जब हम बात करते हैं तो रेटिनॉल स्टैंड्स टॉलर, रेटिनॉल के साथ हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये सारी सीरम्स और पेप्टाइड्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं एंटी एजिंग के लिए। रेटिनॉल एक बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग सीरम है। रेटिनॉल का एप्लीकेशन ड्राई स्किन पे रात को करना चाहिए। अगर आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हो तो पी साइज अमाउंट पूरे फेस के लिए सफिशिएंट हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई हीवी मॉइस्चराइजर आफ्टर अप्लाइंग योर रेटिनॉल। विटामिन सी सीरम अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट सीरम है। यह एंटी एजिंग के साथ साथ एंटी पिगमेंटेशन में भी बेनिफिट देता है, पिगमेंटेशन भी बहुत रिड्यूस करने में हेल्प करता है। विटामिन सी आप दोनों टाइम लगा सकते हो, मॉर्निंग एज वेल एज नाइट। लेकिन अगर आप विटामिन सी लगाते हो तो इसे आपको रेटिनॉल के साथ मिक्स नहीं करना होता है। देन कम्स हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स।
हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स आर मोस्ट जेंटल सीरम्स, दे आर द बेस्ट सीरम्स फॉर ड्राई स्किन पीपल. इट हाइड्रेट्स द स्किन इमीडिएटली, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा नेचुरल सा ग्लो फेस पे देता है. हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मॉर्निंग नाइट लगा सकते हो, आप ये किसी भी एक्टिव के साथ कंबाइन कर सकते हो. अगेन पेप्टाइड्स आर ऑल्सो लाइक दैट, पेप्टाइड्स आप मॉर्निंग नाइट दोनों वक्त लगा सकते हो. ये बहुत ही अच्छे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये आप एक्टिव्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हो. आफ्टर सीरम एप्लीकेशन मॉइस्चराइजर इज द मस्ट. अब तक जो आपको मॉइस्चराइजर सूट हो रहा था उसमें अब आपको चेंजेस करने चाहिए. Now look for a moisturizer which can provide you hydration as well as it is having some good anti-aging benefits. तो अब आपको कुछ ingredients ऐसे देखने हैं moisturizer में जो आपको anti-aging भी प्रदान कर सके, जैसे vitamin C, collagen, vitamin E, hyaluronic acid, etc. तो ये आपको dual benefit दे सकते हैं. अंडर आइज की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, इसलिए वहाँ पे फाइन लाइंस, रिंकल्स होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है. तो आपको एक अच्छा अंडर आई क्रीम यूज़ करना चाहिए जो रिंकल्स कम कर सके, जो अंडर आई स्किन को हाइड्रेट कर सके, जो वहाँ का पिगमेंट कम कर सके, अंडर आई की जो पफिनेस होती है उसे कम कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग स्किन केयर. सनस्क्रीन आपको एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, ये आपको पिगमेंटेशन से बचाता है, ये आपको सन डैमेज से बचाता है. तो अगर आप इंडोर हो, आउटडोर हो या कोई भी सीज़न हो, आपको सनस्क्रीन विदाउट फेल लगाना है. अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, बहुत सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो आपको उन प्रोसीजर्स का या उन प्रोडक्ट्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला. तो अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो आपको बेनिफिट देने वाला है तो दैट इज़ सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपकी स्किन अगर ड्राई की तरफ जा रही है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए. अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, जो आपको सन प्रोटेक्शन के साथ पिगमेंटेशन कवरेज करने में भी हेल्प करता है. इसके साथ आप हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क हफ्ते में 2 बार स्किन पे यूज़ कर सकते हो. हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क आपकी स्किन को कई गुना हाइड्रेट करने में आपकी मदद कर देगा. अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ DIY मास्क के बारे में जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट दे. इसमें आपको लेना है 1 ripe बनाना, उसे कम्प्लीटली स्मैश कर देना है, एड 1 spoon ऑफ राइस फ्लोर इन दैट and 1 spoon of honey in that. Mix it well, apply on the full face, keep for 20 minutes and then wash it with cold water. Follow it with your moisturizer and then sunscreen. You will start noticing your skin is getting more firmer, more even with the regular use of this mask. अब मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ डाइटरी चेंजेस आपको 40s में आके करने चाहिए जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट दे सकते हैं. इसमें नंबर 1 आता है नट्स एंड सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स. ये सारी चीज़ें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो एंटी एजिंग बेनिफिट्स हमारी स्किन को प्रदान करती हैं. सो स्टार्ट यूजिंग दिस नट्स एंड सीड्स इन योर डेली डाइट. Also, if you are non-vegetarian, then start eating more of the fish rather than going for chicken and mutton. Eat colorful fruits and vegetables. These are loaded with antioxidants, so it gives anti-aging benefit to the skin. 40s में आते आते बहुत सारी responsibilities हमारे सर पे रहती हैं, जिसके कारण stress level बढ़ा रहता है. अगर आप stress में रहोगे तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो एजिंग साइंस को बढ़ाने का काम करते हैं. सो ट्राई टू लीड स्ट्रेस फ्री लाइफ. आप दिन का कुछ समय आपकी हॉबीज़ पे देना, मेडिटेशन करना, योगा करना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करो, जो भी आपको पसंद हो. अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो ना ही आपको फिजिकल बेनिफिट मिलेगा बट आपको मेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. आपकी मन शांति बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा यंग दिखने लगोगे. यू कैन ट्रिक ट्रीटमेंट्स लाइक हाइड्राफेशियल. हाइड्राफेशियल इंक्रीजेज द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द स्किन, इट मेक्स योर स्किन मोर सपल. यू कैन टेक रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स. रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स कोलेजन फॉर्मेशन बीनीथ द स्किन. It increases the natural collagen, so it is having a special anti-aging effect.
If you want to try some more advanced treatments, then you can start with taking growth factor concentrate injections, which are derived from your own blood. It stimulates collagen formation. You can consider taking HIFU, that is high intensity focus ultrasound. It immediately lifts your face. It works at quite a deeper level. Or you can try taking MNRF treatment, that is microneedling radio frequency, which is again very good tool to induce new collagen formation beneath the skin. इसके अलावा कुछ ऐसी treatments भी available होती हैं जो आपके face से 5 to 10 years निकाल देंगे. They will make you look more younger. जैसे botox, fillers, ये immediately जो wrinkles होते हैं face के वो उनको रिमूव करने में हेल्प करती हैं. जहाँ पे आपकी लाइंस डेवलप होती है वो लाइंस को रिमूव करने में हेल्प करती हैं. आपको अगर जॉ लाइन बना के चाहिए तो दैट कैन बी मेड विद बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड दे विल मेक यू लुक मोर यंगर. इस वीडियो में मैंने जिन ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है वो मेरे क्लिनिक डॉक्टर प्रियंका हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल है. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कीप वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.